हेलो एंड वेलकम टू लॉ मेड इजी। दोस्तों, मैं एडवोकेट दृष्टि आप लोगों का स्वागत करती हूँ लॉ मेड इजी में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिजर्वेशन। जी हाँ, हाल ही फिलहाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अप्रैल 22, 2020 में, जो रिजर्वेशन से डील करता है, जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, जिससे आप अपकमिंग एग्जाम्स में इसको आंसर कर पाएँ और डेप्थ में समझ पाएँ। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो देखिए और अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। रिजर्वेशन, आरक्षण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी था, और जिसके लिए इंडियंस को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमने 1882 में एक कमीशन लाया। कमीशन जो था वो हंटर कमीशन था, जिसके अंडर इसी डिमांड को देखा गया और कंसीडर करने की कोशिश की गई। देन आए हमारे सामने फ्रीडम फाइटर ज्योतिराव फूले सर, जिन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में डील करने की कोशिश की और रिजर्वेशन को इस रूप में रखा। देन हम चलते हैं 1891 में ट्रावनकोर के पास। ट्रावनकोर एक प्लेस है जो कि जहाँ पर ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट को चैलेंज किया गया और रिजर्वेशन के बारे में फिर से डिमांड उठी। देन बात करते हैं 1901 में, जहाँ पे साहूजी महाराज ने इस कॉन्सेप्ट को, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट लागू करने की कोशिश की गई। देन 1919 और 1909 में, जी हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, वो उसमें इस प्रपोजल को कंसिडर किया गया। तो आप बताइएगा 1909 और 1919 के हिस्ट्री में इसको इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। देन हम बात करते हैं 1921 में। 1921 भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री में। आप मुझे बताइएगा कि ये ईयर इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये ईयर ऑफ डैश कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात की गई कि जनरल कास्ट को हम 44% रिजर्वेशन दे देंगे। देन हम आते हैं 1935 के एक्ट में। सबको पता है 1935 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वहाँ पे दलित के बारे में रिजर्वेशन की बात की गई। देन 1942 में अंबेडकर साहब ने बोला कि अब गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी जॉब्स में भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, और इसी के बारे में कंसिडर किया गया। देन 1945 में, जैसा सब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन आया, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे सबको प्रपोर्शनेट हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। देन 1950 में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहाँ पर सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया गया। देन 1929 में मंडल कमीशन आया। 1979 में मंडल कमीशन आया, जो कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन देने की कोशिश की, जहाँ पर पहले 22% रिजर्वेशन मिलता था ओबीसी को, जो कि बढ़ाकर हो गया 44.5%। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम समझे, तो इसका मतलब सारे दलित्स को, सारे जनरल को, सारे ओबीसी को, सबको रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, सबको बराबर करने की कोशिश की गई। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी, जिनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, सबको देने की कोशिश की गई। देन हम बात करते हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। जी हाँ, जैसे सबको पता है वो आया इंदिरा साहनी वर्सेस, आप मुझे बताइएगा इंदिरा साहनी वर्सेस क्या है, 1992 का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद बात करते हैं जो हाल ही फिलहाल में 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, सी लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब सी लीला प्रसाद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में फैक्ट्स बहुत छोटे थे, संक्षिप्त थे, जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकारी जॉब्स के लिए एक एडवर्टीजमेंट किया, जिसमें एससी क्लास को 100% रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पूरा अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया, जो कि चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसअलाउ कर दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, एपेक्स कोर्ट में गए, तो एपेक्स कोर्ट में इसे सुना गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले बेंच ने, जिसमें 5 जजेस होते हैं, और इसके अलावा अरुण मिश्रा सर, जिन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया। तो हम बात करते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हुआ और क्या इसका डिसीजन हुआ। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली
सबसे पहले इंदिरा साहनी वाले केस को ही फॉलो किया गया, 1992 का केस था, उसी को फॉलो अप करते करते बताया गया कि ये रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, 50% की सीलिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगा, राइट। फिर जैसे कि इसमें क्लियरली बताया गया है तो उसी को फॉलो अप करने की कोशिश की गई। देन यहाँ पर तो जैसा दे रखा है कि 100% रिजर्वेशन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये प्योरली इनवैलिड है और ये नल एंड वॉइड है, पर से ये इनवैलिड है। देन बोला गया कि अगर आप रिजर्वेशन दे भी रहे हैं तो वो 10 ईयर्स के बाद ही बढ़ाया जा सकता है, 10 साल के गैप के बाद ही बढ़ाया जा सकता है, और कभी भी कंप्लीट रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। देन बोला गया कि अगर रिजर्वेशन किसी को दिया भी गया है तो क्या उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हुआ है, क्या उनको उनकी सुविधाएं मिल पाई हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देखे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और यही उन्होंने कहा गया कि अगर स्टैंडर्ड नहीं उठ रहा है तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जिसके लिए वो बनाया गया है उसका पर्पस डिफीट हो रहा है, तो वही उसमें कहा गया। फिर डिसीजन दिया गया, डिसीजन में प्योरली जैसे सब जानते हैं कि 100% रिजर्वेशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, पर से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, और जिसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कंपनसेशन भी पे करना पड़ा, राइट। और इसमें बस यही बोला गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 70 ईयर्स जिसके लिए बनाया गया था, अब 70 ईयर्स हो गए हैं, अगर अभी तक उन्हें बेनिफिट इसका नहीं मिल रहा है तो उनके कोई ज़रूरत नहीं है फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे भी बढ़ाने की, और अगर उन्होंने एक बार बेनिफिट ले लिया है तो फिर आगे उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो गया है, उनका स्टैंडर्ड रेज हो गया है, और अब दूसरों को मिलना चाहिए जिनका स्टैंडर्ड रेज नहीं हुआ है। बेसिकली उसी पर्पज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसको पूरा करने की कोशिश की गई, और कॉम्पनसेशन और फाइन उन पर इम्पोज कर दिया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। बस यही था, और बस यही था कि स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं हो रहा है तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, तो जिसके लिए वो लाया गया है वही फुलफिल करने की कोशिश की गई इस लैंडमार्क जजमेंट में। आप ज़रूर पढ़िएगा, मैंने आपको जस्ट बताने की कोशिश की गई है जिससे आपकी नॉलेज में आ सके कि ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जो कि हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, बहुत शॉर्ट में था, बेसिक पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है जिससे आपकी नॉलेज में आ सके। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन बाय बाय।